हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे भाइयों का डाउट था कि ये होंडा SP125 का चैन कवर कैसे खोलते हैं, तो इसी बारे में मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बना के आपको बता देता हूँ कि कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दो नट लूज़ कर लेना है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ये दो नट को लूज़ कर लेने के बाद में बस धीरे से पीछे से टैप कर देना है आगे की तरफ, तो उसके साइड में जो लॉक है वो खुल गया, तो आप धीरे से उसको फिर नीचे खींच के निकाल सकते हैं। तो यही पॉइंट मिस होता है कई भाइयों से कि पीछे से टैप नहीं करते, तो उसमें अंदर की तरफ से लॉक सिस्टम आता है जिसमें से पीछे और नीचे वाला कवर और ऊपर वाला कवर दोनों आपस में लॉक होते हैं। तो उसको बस पीछे से दोनों नट खोल लेने के बाद में पीछे से हल्का सा टैप कर दें थोड़ा सा, तो वो लॉक ऑटोमेटिक खुल जाता है, उसके बाद में नीचे खींच लीजिए निकल जाएगा। देख सकते हैं आप कितना गंदगी निकला है मेरे चैन से, और इसको कुछ खास क्लीनिंग करने का भी मेरा टाइम हुआ नहीं था, अराउंड 600 किलोमीटर्स ही चला है। तो मैं नॉर्मली 1000 किलोमीटर्स पे क्लीन करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया तो सोचा आपको बता दूँ। ये तो मैं यहाँ पे मोटीओल का चैन स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। ये बोतल अराउंड 3 to 4 टाइम्स आपका यूज चल जाता है, तो उसको वापस लगाने के लिए इसको कुछ देर जैसे ही खुला रख दें, हवा लगने दें उसको सूखने के लिए, तो उसको वापस लगाने के लिए पीछे से उसको अलाइन कर लें लॉक में, और उसको लॉक में करने के बाद पीछे से वापस अपनी तरफ खींच लें, तो रिवर्स करना है। जैसे आपने खोला था तो अंदर की तरफ टैप किया था, तो अब बंद करने टाइम वापस अपनी तरफ पीछे की तरफ खींच लें और अपने आप लॉक हो जाएगा। फिर दोनों नट को लेके अब कस लें, बस इतना सा ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। बस साफ करने के टाइम में अपनी उंगलियों का ध्यान रखिएगा। थैंक यू।